सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग फिर से एक नई जावा की कोडिंग ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा के लूप्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए, जावा के लूप समझने से पहले हमें जानना होगा कि लूप होता क्या है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में किसी चीज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअल लाइफ में उसका मीनिंग क्या है, और जो उसका एक्चुअल लाइफ में मीनिंग है वही प्रोग्रामिंग में यूज होता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है, बट उसको प्रोग्रामिंग के प्रोस्पेक्टिव से हमको समझना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोल दूं कि व्हाट इज लूप, ठीक, तो लूप मतलब आप क्या समझते हैं? एक तरह से एक सर्कल जैसा, एक छल्ला जैसा, ठीक, या फिर एक रिंग। ठीक, अब एक बात समझिए, अगर मैं इस रिंग पे यहाँ पे कोई एक टास्क असाइन कर दूं, ठीक, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई एक टास्क असाइन कर दिया, मैंने ये कोई एक टास्क असाइन कर दिया। ठीक, अब जैसे जैसे ये रिंग मेरा कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे ये टास्क भी होता जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये रिंग यहां से लेके यहां तक आ गया, तो मेरा 50% जो मेरा काम था, ए टास्क था, वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन जब हमारा रिंग यहाँ पे वापस आ चुका, तो मेरा 100% ये काम हो गया। ठीक, अगर ये रिंग बार अगर मान लीजिए हम फिर से यहां से घूमते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग फिर से यहां तक घूमते हैं, तो ये मेरा एक ही काम दोबारा हो गया। ठीक, जिसमें कि देखिए, मुझे काम को सिर्फ और सिर्फ एक बार बताना पड़ा कि मेरा टास्क क्या है। मेरा टास्क है ए, मान लीजिए कोई वर्क है, मान लीजिए कि ये ए जो टास्क है वो प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैंने एक बार बस ये टास्क यहाँ पे बता दिया कि ए एक टास्क है जिसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अब जितनी बार मैं इस लूप को घुमाऊंगा या फिर पूरा कंप्लीट करूंगा, उतनी बार ये टास्क कंप्लीट होगा। ठीक, सिंपल चीज। अब ये देखिए, ये तो नॉर्मल था कि लाइक रियल लाइफ में लूप क्या होता है और कैसे इस ये वर्क करता है। ठीक, अभी हम लोग समझते हैं इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। ठीक, बस आपको बच्चों दो बात चीज ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे जो वर्क है, आपका जो यहाँ पे वर्क है, आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको बताया कि क्या वर्क है। यहाँ पे मेरा ए वर्क था ना, जिसपे हम लोग वर्क जो कि हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, और वो वर्क बार बार ऑटोमेटिक हो रहा था, बार बार वो हो रहा था, मतलब वो रिपीट कर रहा था। ठीक, बस ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ठीक, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि आपको क्या करना है, 5 स्टार को प्रिंट कराना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो आप इसको कैसे प्रिंट करा सकते हो? ठीक, अच्छा, इसमें एलन हटा दीजिएगा बच्चों, अगर आप एलन लगा दो तो ये कुछ नीचे साइड में प्रिंट हो जाएगा, मींस ये लिस्ट टाइप में प्रिंट हो जाएगा। आप बिना एलन के करोगे तो आपके पास एक तो ये अप्रोच है ताकि आप 5 स्टार प्रिंट करा सको। ठीक, अगर मान लीजिए कि चाहे 5 स्टार प्रिंट कराना हो, चाहे 1, 1, 1, 1, 1, 5 times प्रिंट कराना हो, एक तरीका इसका ये है कि आप कुछ इस तरह इसको करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन अभी मैंने आपको एक पीछे एक बताया कि अगर सुनिए, इस काम में क्या हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, इस काम में हम लोग क्या बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या चीज रिपीट कर रहे हैं, क्या चीज रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपने काम को करने के लिए ये वाली लाइन बार बार रिपीट कर रहे हैं बच्चों। अगर देखिए, ये तो एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक, अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में बड़ा कोड करना पड़ा, तो क्या आप जब भी ऐसे कोई टास्क आएगा तो बार बार लाइन ऑफ कोड को लिखोगे? ठीक, आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार लाइन ऑफ कोड को लिखो। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि आपको 5 नहीं 100 times करना है, तो क्या आप 100 बार system.out.print लिखोगे? क्या ये पॉसिबल है बच्चों? नहीं ना। ठीक, तो हमारे पास इसका एक अल्टरनेटिव है। क्या अल्टरनेटिव है? कि हम यूज करें लूप। क्यों लूप यूज करें? क्योंकि अगर हम लूप यूज करेंगे तो ये जो मेरा वर्क है, प्रिंट करने वाला वर्क, इसको हमको सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफाइन करना होगा, एक बार डिफाइन करना होगा। ठीक, और एक बार डिफाइन करने के बाद ये काम रिपीट होता जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? रिपीट होता जाएगा। ठीक, जैसे कि यहां पे देखिए,
एक्सपीरियंस कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो ये टास्क था ए, अगर मैं इसको हटा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टार ये कर दूं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस लूप को, अगर इस लूप को एक बार मैंने कंप्लीट कर लिया तो मेरा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। एक बार मेरा 100% कंप्लीट हो गया ना, ए टास्क 100% कंप्लीट हो गया। अब इसी लूप को मैं दोबारा से चलाऊंगा तो मेरा फिर से एक स्टार वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या बच्चों, इस बार मुझे फिर से वो कोड, ये वाला कोड लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा ना। मैंने दोबारा फिर से लूप चलाया और मुझे ये कोड नहीं लिखना पड़ा, तब भी मेरा ये दूसरी बार भी कोड रन हो चुका। ये बात समझ में आई बच्चों? जी क्या मैं कहना चाह रहा हूं, यहां पे देखिए इस स्लाइड में जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि देखिए, जब पहली बार कोड रन हो रहा था, जब पहली बार हमारा फर्स्ट स्टार प्रिंट हो रहा था, तो उसके लिए मैंने एक बार कोड लिख दिया था। लेकिन जब मुझे दूसरी बार भी प्रिंट कराना हुआ ये स्टार, तो मुझे फिर से कोड को राइट करना पड़ा था, मुझे फिर से कोड को लिखना पड़ा था, ठीक, तभी मेरा यहाँ पे सेकेंड स्टार प्रिंट हुआ था, ठीक। और आगे भी अगर मुझे फिर से एक स्टार चाहिए तो मैं फिर से एक स्टार लिखता, तब मेरा ये कोड, मुझे फिर से कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके मेरा तीसरा स्टार आएगा। लेकिन लूप में, यहाँ पे देखिए बच्चों, लूप में मैं एक बार ए पे एसओपी स्टार को बता दिया कि मुझे सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट कर दो, ए जो टास्क है वो है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट स्टार, ठीक। मैंने सिर्फ एक बार बताया बच्चों, और अगर मैं लूप को एक बार चलाया तो ये मुझे एक स्टार प्रिंट करके दे देगा। अगर ये लूप मैंने दूसरी बार चला दी तो मुझे दूसरा स्टार प्रिंट करके दे देगा, और मैंने अगर इसको तीसरी बार चला दिया तो ये मुझे तीन स्टार प्रिंट कर देगा। अब देखिए, जितनी बार आपको स्टार चाहिए उतनी बार हम लोग इस लूप को चला देंगे और उतनी बार हमको स्टार मिल जाएगा, ठीक है। 5 times भी चला देंगे, ठीक। अच्छा बेटे देखो, बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए लूप चलाने से फायदा क्या हो रहा है? फायदा ये हो रहा है बच्चों कि हमको जब कोड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, हमको कोड को रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, समझ में आया? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोड को हमें रिपीट नहीं करना पड़ रहा है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, किसी भी काम को बार बार करने के लिए इफिशियंट मैनर में हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कोई काम है, ठीक है, उसको बार बार ना करना पड़े, जैसे कि मान लीजिए ये वाला जो टास्क था, इसमें हमको बार बार लिखना पड़ रहा था, बार बार एक ही कोड को लिखना पड़ रहा था, तो हम इसका इफिशियंट मैनर, एक अच्छा तरीका जिसमें कि मुझे सिर्फ एक बार लिखना है और मेरा बार बार वो काम होता है। जब भी ऐसी कई कंडीशन आती है कि मुझे सिर्फ एक बार किसी चीज को बतानी है और उसी चीज को बार बार कराना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लूप्स, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए, अगर हम उसी पिछले वाले टास्क को, अगर ये वाला जो टास्क है इसको हम लूप से करते तो क्या करते? मैंने अभी बताया कि इस जगह पे ए जो है, मान लीजिए ये जो मेरा टास्क है ये वाला, इसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक। और हाँ, ये मेरा ए है, ये जो मेरा टास्क है वो ए है, तो अगर मैं ए में ये टास्क असाइन कर दूंगा तो मेरी जितनी बार लूप चलेगी, मान लीजिए 1 time चले, फिर 2nd time चले, फिर 3rd time और फिर 4th time और 5th time, जब 5 times ये लूप चल जाएगा, 5 times ये लूप चल जाएगा बच्चों, तब हमें 5 times ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हमें देखने को मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक। अच्छा, जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था ये उसी का स्लाइड है, सो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ बच्चों, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तो अब सबसे पहले अपने लूप पे आते हैं जो कि है फॉर लूप। ये सबसे सिंपल बच्चों लूप है, ठीक है, बहुत आसान है, आप इजिली गेट कर लोगे, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। सबसे पहला लूप है बच्चों फॉर लूप, ठीक है। अब देखिए, फॉर लूप बनाने से पहले बच्चों आपको दो चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपको लूप को स्टार्ट कहां से करना है और लूप की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में याद करिए, हमको जो स्टार था, जो स्टार था वो 5 star प्रिंट कराना था बच्चों, 5 star प्रिंट कराना था, तो हमको मालूम होना चाहिए ना कि हम लूप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 तक चल, लूप को 1 बार चलाएंगे, 2 बार चलाएंगे, 3 बार चलाएंगे, 4 बार चलाएंगे, 5 बार चलाएंगे। तो हमको स्टार्ट करना है 1 से
और खत्म करना है 5 पे। ठीक, तो हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए किसी भी लूप को चलाने के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, हमको कंडीशन पता होना चाहिए कि कब तक ये लूप चलना चाहिए, मतलब कि देखिए कंडीशन के बेसिस पे ही हम उसकी एंड पॉइंट को डिसाइड कर पाएंगे, कंडीशन के बेसिस पे ही हम उसके एंड पॉइंट को डिसाइड कर पाएंगे। अब जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो मेरा लूप है वो 5 बार से कम, अरे 5 बार से कम या फिर 5 बार के बराबर चलना चाहिए, ठीक, तभी मेरा लूप यहाँ पे 5 बार चलेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन यहाँ पे ये है कि मेरा लूप 5 बार से कम या फिर 5 बार चलना चाहिए, ठीक, तभी मेरा ये 5 स्टार प्रिंट होगा। ठीक है, तो हमको किसी भी लूप फॉर लूप के लिए या फिर किसी भी लूप के लिए ये दो चीज पता होनी चाहिए। अगर हमें ये दो चीज पता है तो हम किसी भी फॉर लूप को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है 1, ये फर्स्ट वाला लूप है। ठीक है, ये लूप यहां से लेके यहां तक, ये समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक चला, तो मेरा ये फर्स्ट वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया। अब यहां से सेकेंड वाला टास्क स्टार्ट होगा, मतलब जब से देखिए ये लूप यहां से लेके यहां तक एक बार चल गया ना, तो ये 100% हो गया ए टास्क। और लूप कितनी बार चला, अभी सिर्फ 1 बार चला है। ठीक है, अभी मेरा जो ए टास्क था, ए टास्क क्या था बच्चों, कि मुझे system.out.print के अंदर एक स्टार प्रिंट कराना है, ये था ना। ठीक, तो मेरा ये एक बार प्रिंट हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों, यहां से लेके यहां तक दोबारा यहां लूप चलेगा और यहां पर है। अब देखिए फिर से चला यहां से लेके यहां तक, तो ये फिर से मेरा जो ए टास्क था वो फिर से हो चुका है। ठीक, और मेरा दूसरा लूप एक बार चल चुका है, 2 बार चल चुका, अब तीसरी के लिए लूप चलेगा। ठीक, अब तीसरा वाला लूप यहां से लेके यहां तक चलेगा। ठीक, तो 3 बार तक लूप चल जाएगा, फिर से तीसरे के लिए यहां से यहां तक चलेगा, फिर 100% टास्क कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा तीसरा टास्क भी हो चुका। ठीक, ऐसे ही बच्चों 2 बार और चलेगा लूप 4 और 5 के लिए। ठीक, तब जाके ये जो ए वाला टास्क है वो 5 टाइम्स कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो किस हम देखिए इस स्लाइड का बेसिक पर्पस यही था, किसी भी लूप को बनाने से पहले हमको उस लूप का स्टार्टिंग पॉइंट और उस लूप के कंडीशन पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे दोनों डिस्कस करेंगे, अभी थ्योरेटिकल आप समझिए। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, देखिए इसके जरा सिंटेक्स पे आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी लूप को बनाने से पहले हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होना चाहिए, उसकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन नहीं बताया, बता देते हैं बच्चों आपको। देखिए अब थोड़ा सा पीछे वाले एग्जांपल में जाइए और जरा सोचिए, हमको क्या करना था, 5 स्टार प्रिंट करना था ना, 5 स्टार वाला, इसको लेके चलते हैं बार-बार, इसी के बेसिस पे पूरा लूप ही समझ लेंगे। हमको 5 स्टार प्रिंट करना था बच्चों। अब देखिए इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट था 1 2 3 4 5, मतलब लूप 1 टाइम से चालू होगा और 5 टाइम तक चलेगा। समझ में आया? तो लूप को कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है 1, मतलब कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया हमको, स्टार्टिंग मिल चुका है। अब स्टार्टिंग मिल गया, अब हम आते हैं जरा कंडीशन पे। अब देखिए हमको स्टार्टिंग मिल गया, अब कंडीशन क्या रखेंगे बच्चों, कंडीशन क्या है, अब देखिए ये लूप कितने कब तक चलेगा। ठीक है, ये लूप कब तक चलेगा ये उसकी कंडीशन डिसाइड करती है, मतलब कि इस पैटर्न को देखिए, मान लीजिए आपको 1 2 3 4 5, बस आपको 5 तक चलाना है, तो आप क्या ऐसे कंडीशन दोगे कि ये लूप सिर्फ और सिर्फ 5 तक चले। मैं बोल दूं कि मेरा जो लूप है वो लेस देन 6 हो जाए, तो क्या ये जो लूप है, मतलब लूप जितनी बार चलेगा वो यही कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब लूप के चलने का जो नंबर है या फिर लूप के कंप्लीट होने का जो नंबर है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए 6 के, मतलब कि लूप फर्स्ट टाइम जब चलेगा तब कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड टाइम जब चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, जब चौथी बार लूप चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5वीं बार चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लूप 6वीं बार चलने के लिए
जाएगा तब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तब ये आपका लूप रुक जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? लूप तब ये रुक जाएगा, समझ में आया? तो मतलब ये वाला कंडीशन के लिए लूप नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये तीन वैल्यू के लिए लूप चलेगा। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए, अब हमें कंडीशन मिल गई और हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है, हमें कंडीशन मिल गई, हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब ये बताए, अब ये क्या है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किसको मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा? देखिए, जब भी आप एक लूप बनाओगे ना, तो लूप जितनी बार चलेगा, ठीक है, लूप जितनी बार चलेगा, आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। मतलब कि जैसे यहां पे देखिए, जैसे बच्चों यहां पे देखिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया है, इंट आई। आई एक वेरिएबल मैंने बनाया, इसमें स्टोर करा दिया है 1। ठीक है बच्चों, अब जितनी बार लूप चलेगा वो वैल्यू स्टोर करेगा आई। मतलब कि अभी जो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं हम स्टोर करा के रखेंगे, ताकि हमें पता तो चले कि लूप कितनी बार चल चुका है। ठीक, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया है आई, जो कि वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि लूप की कंडीशन मैंने बताई थी आपको कि लेस देन होना चाहिए 6, या फिर आप लिख सकते हो कि जो कि जो मेरा लूप है वो जितनी बार चलेगा वो हमेशा वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 5 के। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाल दी। ठीक, आई क्या स्टोर किया, मैं फिर से बता दूं बच्चों, आई हमारा स्टोर किया है नंबर ऑफ लूप कंप्लीशन, या फिर लूप, हाँ लूप कंप्लीशन बोल सकते हैं, जितनी बार मेरा लूप कंप्लीट हुआ है वो वैल्यू को स्टोर किया है आई। ठीक है बच्चों, और यहां पे देखिए, जैसे अब मेरा फर्स्ट लूप जब कंप्लीट हो जाएगा, जब मेरा फर्स्ट लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इस लूप कंप्लीशन की वैल्यू इंक्रीज करूंगा ना, क्योंकि जब मेरा सेकंड लूप चलने लगेगा तो मेरी आई की वैल्यू, जो कि लूप कितनी बार चला है ये स्टोर किया, इसकी वैल्यू भी तो बढ़नी चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है आई प्लस प्लस। ठीक है, ताकि जब लूप सेकंड टाइम चले तो ये आई की जो वैल्यू है वो भी अपडेट होके 2 हो जाए। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, बताएंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप बस ये समझिए कि ये जो आई की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू इसलिए हम लोग, ये आई वेरिएबल इसलिए हम लोग क्रिएट किए, ताकि लूप कितनी बार चला है हमें पता चल सके। ठीक, और ये आई प्लस प्लस इंक्रीज और डिक्रीज, ये हम इस कितनी बार लूप, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार हम लोग आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी चलिए इसका ट्राई रन करते हैं बच्चों, समझ में आएगा थोड़ा। ठीक, अभी देखिए हम इसको ट्राई रन करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि int i एक वेरिएबल बन जाएगा जिसमें वैल्यू स्टोर हो जाएगी i 1। तो मैं यहां पे एक वेरिएबल बना देता हूं i, जिसमें वैल्यू मैंने डाल दिया है 1। ठीक है, अब वैल्यू डालने के बाद 1 वैल्यू मैंने डाल दिया, ये 1 क्या है, अभी फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा उसके लिए वैल्यू है। अब देखिए i कंडीशन क्या है, यहां पे कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू हमेशा लेस देन होनी चाहिए 5, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये अभी तो कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 1 है तो कंडीशन ट्रू है। देखिए थोड़ा सा मैं मार्किंग कर देता हूं, ये हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये है मेरा सेकंड स्टेप, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये है मेरा थर्ड स्टेप, और ये है मेरा फोर्थ स्टेप। ठीक, अब वापस आ जाए बच्चों, हाँ तो फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, सेकंड स्टेप मैंने बता दी। अब देखिए जब कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा जो कोड है लूप के अंदर, जो कोड है वो रन होगा। सेकंड स्टेप के बाद हम आएंगे थर्ड स्टेप पे, जब कंडीशन ट्रू होगी तो थर्ड स्टेप पे हम आ जाएंगे, जो लूप के अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे लूप के अंदर कोड क्या है बच्चों, system.out.println*। तो मेरा यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, अब जब लूप के अंदर जो कोड है वो रन हो जाएगा बच्चों, तो फिर उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप के साथ फोर्थ स्टेप पे जाएगा। फोर्थ स्टेप पे क्या है, आई प्लस प्लस, मतलब कि आई की जो वैल्यू है,
आई की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दीजिए कितना, वन टाइम्स। मतलब कि अब आई में वैल्यू क्या आ जाएगी, अब आई में वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अब मेरी आई की वैल्यू हो जाएगी टू। ये आई प्लस प्लस क्या किया, इस आई की वैल्यू टू कर दिया। क्यों टू किया, क्योंकि देखिए एक बार मेरा लूप चल चुका है ठीक, तभी नहीं एक स्टार प्रिंट हुआ। यहाँ पे मान लीजिए ये जो टास्क हम रखे थे ये एक बार कंप्लीट चल चुका है, तो मेरा आई की वैल्यू एक बार के लिए हो चुकी है। अब मैं अभी ये जो 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 लूप चलेगा अब ये सेकेंड टाइम के लिए चलेगा, इसलिए मैंने अभी ही आई की वैल्यू टू कर दी। ठीक है बच्चों, चलिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं और वापस अपने टॉपिक पर। चलिए हाँ अब देखिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अभी आई की वैल्यू हो चुकी है टू, आई की वैल्यू हो चुकी है टू, आई की वैल्यू हो चुकी है टू। तो अब देखिए फर्स्ट टाइम के लिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे जाता है, जब लूप स्टार्ट होता है तब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखिए फोर्थ स्टेप तक तो हम लोग आ चुके हैं, अब फोर्थ स्टेप आई प्लस प्लस करने के बाद मतलब कि आई की वैल्यू हो चुकी है अब टू, अब वापस से इंक्रीज करने के बाद ये वापस से जाएगा कंडीशन वाले स्टेप पे, फिर से चेक करेगा कंडीशन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। क्या यहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, जरा सोच के बताइए यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है। आई की वैल्यू हो चुकी थी 2, तो क्या अभी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हम लोग डायरेक्ट इस पे जाते हैं, लूप के अंदर वाले कोड पे जाते हैं। ये रहा मेरा लूप के अंदर वाला कोड। अब यहाँ पे क्या है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, ठीक, कंडीशन ट्रू हुई फिर से हम लूप के अंदर कोड आया और फिर से मेरा ये प्रिंट हो चुका है। ठीक है, जब प्रिंट हो गया बच्चों थर्ड स्टेप कंप्लीट होगा, थर्ड के बाद किस पे जाते हैं, फोर्थ पे जाते हैं, फिर वापस से जाएगा फोर्थ पे। फोर्थ क्या किया, आई प्लस प्लस किया है, मतलब कि आई की वैल्यू फिर इंक्रीज करेगा। अब आई की वैल्यू इंक्रीज करेगा तो अभी आई की वैल्यू पिछले स्टेप में आई की वैल्यू थी 2, इंक्रीज करने के बाद अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और मेरा दो बार यहां पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है बच्चों, आप देखो इसको थर्ड स्टेप मार्क कर देते हैं, इसको फोर्थ स्टेप मार्क कर देते हैं, इसको सेकंड स्टेप मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब मेरा आई प्लस प्लस तक हम पहुंच चुके, अब वापस हम हमारी कंडीशन को चेक करेंगे, क्या हमारी कंडीशन सर अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे कंडीशन में देखिए आई की वैल्यू क्या, अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू हो चुकी है 3, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, ये भी अभी कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो वापस हम लूप के अंदर आ जाएंगे और लूप के अंदर जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करा देंगे, और मेरे लूप के अंदर कोड क्या सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, मतलब कि मैं एक स्टार प्रिंट कर रहा है, तो ये मेरा तीसरा स्टार भी प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों लूप एक बार चल चुका, दो बार चल चुका, तीन बार चल चुका, अब लूप चौथी बार के लिए चलेगा। ठीक है, चौथी बार के लिए चलेगा, तो ये कोड एग्जीक्यूट करने के बाद, ये वाला कोड एग्जीक्यूट करने के बाद हम लोग वापस से किस पे, फोर्थ स्टेप पे आएंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि अब लूप चौथी बार के लिए चलने वाला है। ठीक, तो हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करेंगे तो अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब बेसिकली यही होता है बच्चों, अगर आपको याद होगा ऑपरेटर जब मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था कि आई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली यही होता है कि या ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, एक वैल्यू इंक्रीज करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू हो चुकी है 4, आई की वैल्यू 4 के बाद वापस इस कंडीशन पे आएगा, चेक करेगा क्या 4 लेस देन 5 है, क्या 4 लेस देन 5 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या ये कंडीशन ट्रू है, यस बिल्कुल अभी भी ट्रू है। तो जब ये बच्चों कंडीशन ट्रू होगी तो वापस से जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो लूप के अंदर लिखा हुआ कोड है ना, ये जो कोड ये एग्जीक्यूट होता है, तो मेरे यहाँ पे जो कोड है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, हमको बेसिकली क्या करना है स्टार वाला प्रिंट कराना है, तो फिर से मेरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, तो मेरा ये चौथी बार के लिए भी वैल्यू स्टार प्रिंट हो गया। ठीक, अब ये लूप फिफ्थ टाइम के लिए चलेगा, जब ये लूप फिफ्थ टाइम के लिए चलेगा, अब ये देखिए मेरा ये प्रिंट हो चुका, अब ये लूप चलेगा फिफ्थ टाइम के लिए, फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आके इंक्रीज कर देगा वैल्यू किसकी, आई की वैल्यू। अब ये 4 के लिए चल चुका, अब आई को कर देगा क्या 5, ताकि अब आई को 5 करेगा और वापस से यहाँ पे आएगा, चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू
5 से less than equal to है, तो क्या 5 less than equal to 5 है? क्या ये condition true है बच्चों? Yes, बिल्कुल, ये condition true है। तो अभी भी जब मेरा condition true है, तो मेरा जो loop के अंदर वाला code है, वो run हो जाएगा। तो मेरा loop के अंदर वाला code क्या है बच्चों? यहाँ पे system.println में जो एक star print run है, तो मेरा पांचवी बार के लिए भी मेरा task जो है, वो complete हो जाएगा। ठीक? अब थोड़ा सा इसको erase कर देते हैं। अब यहाँ पे एक बात देखिए, एक कंडीशन आएगी बच्चों टर्मिनेशन की। क्या कंडीशन आएगी? टर्मिनेशन की। अभी उसको देखते हैं। ठीक, अभी मेरा ये पांचवी बार के लिए भी टास्क हो चुका है। अब देखिए, अब क्या होगा कि ये मेरा कंप्लीट, अब यहां से यहां पे इंक्रीमेंट आएगा। अब आई प्लस प्लस करें, आई की वैल्यू यहां पे क्या थी? 5 थी ना, पहले के लिए 5 थी। अब आई प्लस प्लस करेगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6। अब i++ के बाद ये वापस से किस पे आएगा? कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है? क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है? मतलब कि क्या i की वैल्यू अभी भी लेस देन इक्वल टू 5 है? अभी यहां पे i की वैल्यू क्या हो चुकी है बच्चों, बताइए? अभी यहां पे मेरी i की वैल्यू हो चुकी है 6। तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? क्या बच्चों 6 लेस देन इक्वल टू 5 है? नहीं, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो मेरा कंडीशन जब फॉल्स होगी, तो मेरा लूप के अंदर वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप के अंदर वाला जो कोड है एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप बंद हो जाएगा, और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपाइलर। मतलब लूप के अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन जब मेरी फॉल्स होगी, तो लूप एग्जिट हो जाएगा, लूप एग्जिट हो जाएगा। ठीक, मतलब कि अब ये देखिए, मेरी बात समझिएगा बच्चों। मैं जो लूप बताया था, देखिए यहाँ, ओके ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, फर्स्ट टाइम के लिए लूप चला, यहाँ पे मेरा कोई टास्क था, एक बार हो चुका, एक बार स्टार प्रिंट हो गया। दूसरी बार के लिए चला, दूसरी बार स्टार प्रिंट हो गया। तीसरी बार के लिए चला, तीसरा स्टार प्रिंट हो गया। चौथी बार के लिए चला, चौथा स्टार प्रिंट हो गया। और पांचवी बार के लिए भी चला, और पांचवा स्टार प्रिंट हो गया। लेकिन जब ये सारे ये लूप तभी चल रहे थे जब इसकी कंडीशन ट्रू थी। समझ रहे हैं बच्चों? ये सारे लूप तभी चल रहे थे जब ये कंडीशन वाला पार्ट ट्रू था, तभी लूप के अंदर वाले कोड्स एग्जीक्यूट हो रहे थे। अगर ये कंडीशन वाला पार्ट फॉल्स हो जाएगा, तो लूप के अंदर वाले कोड नहीं चलेंगे। मतलब कि अभी देखिए, जब ये फाइव टाइम चल लिया, तो सिक्स टाइम के लिए ये लूप को कंडीशन फॉल्स मिला। जब इसने लूप को कंडीशन फॉल्स किया, तो ये लूप नहीं चलेगा, अब आगे ये लूप नहीं चलेगा, और इसके नीचे जो कोड लिखा होगा बच्चों, अब वहां से एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। मतलब कि इस लूप का जो कोड है वो यहां से लेके यहां तक है, इसके नीचे जो कोड है वहां से चालू हो जाएगा। ठीक है, और हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। ठीक, यही था बच्चों लूप का ड्राई रन। ठीक, आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, ओके, सो वो तो मैंने थ्योरेटिकल बता दिया। अगर हमको कोड लिखना होता, तो हम लोग कुछ कोड इसी तरह लिखते, सेम एकदम कोड है अभी जो मैंने डिस्कस किया। हम एक क्लास बना लेते, क्लास के अंदर अपना मेन मेथड डाल देते, और मेन मेथड के बाद हम फॉर लूप यहाँ पे लिखते। लूप कौन सा लिख रहे हैं वो यहाँ पे बताना पड़ता ना, तो मैंने फॉर लूप लिखा, मतलब कि मुझे फॉर लूप इस्तेमाल करना है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ कंडीशन दे दिया, यहाँ पे इटरेशन दे दिया, और जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तभी मेरा ये वाला पार्ट सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज ये लूप ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सीधे इसके नीचे जो कोड है वो रन करेगा। ठीक, ये लूप वाला जो कोड है, ये वाला जो कोड है, वो रन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, ओके, लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अब ये आप लोग को एक होमवर्क मैं देके जा रहा हूं। आपको क्या करना है, 5 times 1 को प्रिंट करना है। क्या बोला मैंने? 5 times 1, प्रिंट 1 5 times इन अ रो। आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट आना चाहिए आपके स्क्रीन पे, आपको कुछ ऐसा कोड लिखना है। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई जरूर करिएगा बच्चों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।
आपको कुछ ये आउटपुट करके लाना है, ठीक है? ये आप लोग एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।